हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आपको बताऊंगी कि हम घर पे बैठ के बहुत ही इजी तरीके से वैक्सिंग कैसे कर सकते हैं। मंथली मैं जब भी वैक्सिंग करवाती हूँ तो 1000 से 1500-2000 तक का खर्चा हो ही जाता है। मैंने सोचा इस बार क्यों ना मैं घर पे एक बार ट्राई करूँ इसे। पूरा किट मैंने परचेज किया और रिजल्ट इतने अच्छे हैं, मतलब आपको बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है एंड थोड़ी सी स्किल की ज़रूरत है, बाकी बहुत ही ईजी तरीके से वैक्सीन आप घर पर बैठे कर सकते हैं। सो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि कितने चंद मिनटों में, चंद कुछ स्टेप में आप इजिली घर में बैठ के वैक्सीन कर सकते हैं। सो जल्दी से हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम बेसिकली जो वैक्सीन है वो दो तरीके की होती है। एक तो है हमारी हनी वाली वैक्स होती है और एक होती है हमारी रीका वैक्स जो होती है नेचुरल वेजिटेबल ऑयल बेस। सो मैंने परचेस किया है रीका वैक्स। ये वैक्सीन की MRP है 1250 पर, ये आपको ऑनलाइन डिस्काउंट पे मिल जाएगा 1100 रुपए का। एंड जो रीका वैक्स है वो बहुत ही लेस पेन वाली होती है, सो इसलिए मैंने रीका वैक्स मंगाई है। थोड़ी सी ट्रिकी है ये वाली वैक्स करना एज कम्पेयर टू हनी वैक्स। हनी वैक्स थोड़ी सी मैसी भी होती है, ये इतनी मैसी नहीं होती है। सो कोई ट्राई करके दिखाऊंगी आपको एंड वीडियो में एंड तक बने रहना। मेरा वैक्स हीटर है थोड़ी सी मैसी हो रही थी क्योंकि मैंने इसे 2-3 बार यूज कर लिया है तो थोड़ी सी मैसी हो गई है ये। एंड बाकी ये बहुत ही यूजफुल है। प्राइस भी आई थिंक 500 या 600 रुपये का इसका जो यहाँ पे नॉब था वो मेरे से टूट गया है। एंड बाकी ये बहुत ही अच्छी वैक्स हीटर है। थोड़ा सा स्लो ये हीट होती है इसमें, बट ठीक है, एकदम से गर्म नहीं हो जाएगी और एकदम से आपकी स्किन को नहीं जलाएगी। सो बहुत ही धीरे धीरे इसमें वैक्स गर्म होती है। साथ आता है एक अलग से कंटेनर जिसमें आप वैक्स रख सकते हैं। इसमें मैंने वैक्स रखी हुई है, सो इसे हम गर्म करने के लिए छोड़ देते हैं। तो जब तक हमारी वैक्स गर्म होती है तब तक मैं आपको हमारा वैक्स के बारे में थोड़ी बता देती हूँ, जो हमारी नॉर्मल वैक्स और हमारी रीका वैक्स में क्या डिफरेंस होता है। सो नॉर्मल वैक्स बेसिकली केमिकल बेस होता है, उसमें हनी एंड शुगर को मिलाकर बेसिकली जो हमारी नॉर्मल वैक्स है वो बनाई जाती है एंड वो थोड़ी सी पेनफुल भी होती है नॉर्मल जो वैक्स है। रीका वैक्स होती है, इसमें कोई भी केमिकल नहीं होता है, ये वेजिटेबल ऑयल बेस होती है एंड ये मोस्टली सेंसिटिव स्किन जिनकी होती है उनके लिए बेस्ट है। कंपेयर टू पेन लेस होती है, आपको इसमें बहुत ही कम पेन होगा और सबसे बेस्ट पार्ट है इसका कि ये आपकी टैनिंग को बहुत ही अच्छे से निकाल देती है। बहुत सारे अलग अलग टाइप के वराइटीज होती हैं, जैसे रीका ब्राजीलियन वैक्स के सेंसिटिव एरिया जैसे अंडरआर्म्स हो गए, बिकिनी एरिया, उस जगह पे रीका ब्राजीलियन वैक्स यूज होती है। उसको फेस पे भी यूज कर सकते हैं, सेंसिटिव स्किन के लिए बेस्ट होती है और बिल्कुल भी स्टिकी नहीं होती। जैसे हनी वैक्स बहुत ज़्यादा स्टिकी होती है, वो ये रीका वैक्स बिल्कुल भी स्टिकी नहीं होती है। एंड ऑनलाइन इससे बहुत सारे ऑप्शन थे, चॉकलेट वैक्स था और एलोवेरा था, तो वो आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग ऑर्डर कर सकते हैं। मैं इसका लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से चेकआउट कर लें। सो अब हम जल्दी से अपनी वैक्स की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, उससे पहले मैं अपने बालों को बांध दूंगी ताकि मैं आपको अपने हाथ पे वैक्स करके दिखाने वाली हूँ। मेरे हाथ पे हैं जो बहुत ही कम बाल हैं, मतलब मेरे हाथ पे पहले से ही बहुत कम बाल आते हैं, बट आई थिंक आपको दिख रही होगी यहाँ पे थोड़े से हेयर ग्रोथ हो रखी है मेरी। एंड वन मोर थिंग, आपकी जो वैक्स है वो ना ज़्यादा ठंडी होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा गर्म होनी चाहिए। वैक्स की कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ कि वो कैसी होनी चाहिए। मेरा वैक्स जो है वो थोड़ा सा अभी थिक है, सो यू कैन सी अभी भी ये थोड़ा थिक है, तो थोड़ा सा इसको हम और गर्म करेंगे। ऑलराइट, सो मेरी वैक्स ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। सो ये इसकी कंसिस्टेंसी है, आईसी तो ये ऐसी होनी चाहिए। जो आपकी हेयर ग्रोथ है इसी डायरेक्शन में हम वैक्स को अप्लाई करेंगे। सो ये मैंने अपनी हेयर ग्रोथ के डायरेक्शन में से अप्लाई कर लिया है। देन अब मैं वैक्स स्ट्रिप को इसके ऊपर रखूंगी एंड हल्का सा इसे रब करूंगी। ये मेरी हेयर ग्रोथ की डायरेक्शन थी और अब मैं इसे अपर डायरेक्शन में इसे पुल करूंगी। सो इसे रब करने के बाद हम इसको अपर डायरेक्शन में पुल करेंगे 3। सो यू कैन सी
बहुत ही इजीली इसने मेरे बाल रिमूव कर दिए हैं एंड मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ है। बहुत ही इतना माइन्यूट सा पेन होगा ना, आपको मतलब फील ही नहीं होगा ऐसा पेन हुआ है। मैं पूरे हाथ को अच्छे से वैक्स कर लेती हूँ। सो वैक्स के तुरंत बाद आपको एकदम वॉश नहीं करना, अगर आप वॉश करोगे तो आपकी वैक्स जो है वो हाथ में ही चिपकी रह जाएगी। सो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ कोकोनट ऑयल एंड आप कोई भी ऑयल या सीरम यूज़ कर सकते हैं। रीका का भी ऑयल एंड सीरम आता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। सो अभी मेरे पास कोकोनट ऑयल है तो मैं वही अप्लाई करूँगी। सो यू कैन सी कितने स्मूथली मेरे हाथों में वैक्स हो चुकी है। बट धीरे धीरे आप एकदम प्रो हो जाओगे जैसे मैं, मुझे भी अभी सीखने में थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि मुझे एक दो बारी हुए हैं खुद से वैक्स किए हुए। बट रिजल्ट अमेजिंग है, बहुत ही अच्छे हैं एंड आपके पैसे भी बच जाएंगे हर महीने जो आप हजार हजार रुपये दे के वैक्स करवाते हो। उससे अच्छा है कि एक बार आप 1000-1200 का ये वैक्स ले लो और एंड ये आपका काफ़ी लंबे टाइम तक चल जाएगा। सो यू कैन सी गाइज बहुत ही स्मूथली मेरे हाथों में वैक्स हो चुकी है। इसके बाद मैंने लगाया है कोकोनट ऑयल, इसमें आप रीका का ऑयल आता है जो वो भी लगा सकते हैं। एंड इसके बाद मैं अपने हाथों को अच्छे से वॉश कर लूँगी। सो आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी यूजफुल लगी होगी। सो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।